नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज आपके सामने एक बढ़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके सामने बना के शेयर करूँगी। दोस्तों कम पूंजी में कैसे मध्यम वर्ग लोग, गरीब लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही सेहतमंद रेसिपी होती है दोस्तों। तो हमारे चैनल पर जो भाई बहन नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए अब हमारे वीडियो को फुल वॉच जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। आप लोग भी चलिए हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। तो हम रसोई में आ चुके हैं दोस्तों। तो हम आप सबको सामग्री दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा किलो सौंठ है, इसे हम दरबरा में कूटा हुआ है। और ये मखाना लिया हुआ है, एक पाव मखाना है। ये अलसी है, एक किलो अलसी है। और ये आधा किलो हल्दी है। और ये है चेखुर, एक किलो चेखुर है। ये बबूर गोंद है एक पाव। और एक बड़ा नारियल का टुकड़ा है, इसे हमने बारीक काटा हुआ है, अभी थोड़ा काटने का बाकी है। एक पाव छुहारा है, इसे हमने दरबरा कूटा हुआ है। और ये किशमिश है एक पाव। तो बादाम है, काजू है, तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं जितना आपके पास हो सके। और ये है मियाना, तो 2.5 किलो मियाना है दोस्तों। और ये घी है और सरसों का तेल। तो इन्हीं सब सामग्री से आज हम बनाएंगे हरीरा। तो चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं बनाना। पहले चूल्हे में आग जला लेते हैं। तो आग हमने जला दिया है, चूल्हे पर रख दिया है कढ़ाई। तो इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। तेल हम कुछ ज़्यादा डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। इसमें डाल देती हूँ हल्दी। तो हल्दी को हम इसी में फुलाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक साथ पूरा हल्दी नहीं डालेंगे। तो हल्दी हमारी फूल चुकी है, देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। तो हल्दी को हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा धान भी फुला लेती हूँ हल्दी को। तो हल्दी हमारी फूल रही है, जो हमने हल्दी फुलाया हुआ था इसे खलबट्टे में डालकर हम इसे कूट लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा से हम पहले कूट लेते हैं ऐसे ही। हल्दी हमारी बहुत अच्छे से फुली हुई है, अच्छे से कूटा रहा है। तो देख सकते हैं, हम सबको निकाल दिखा देती हूँ, देख सकते हैं। इसी तरह हम सभी हल्दी को कूटेंगे। तो हल्दी को हमने फुला लिया है, तो गोंद है इसे भी हम फुला लेती हूँ। एक बार में नहीं, दो बार में इसे भी फुलाएंगे। तो गोंद हमारा फूल चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। गोंद को हमने भून लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं देसी घी, एक बड़ा चम्मच। घी गर्म हो चुका है, डाल देती हूँ ये पोस्ता का दाना, इसे हम भून लेती हूँ। इसे हम धीमी आंच में भूनेंगे। तो पोस्ता हमारा भून चुका है, इसे हम निकाल देती हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए हल्दी को कूट लिया गया है, तो अब ये सील के सहारे से इसे सारा जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से महीन हो जाएगा, इस तरह से हल्दी को सार लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देसी घी डाला हुआ है, देसी घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ चेखुर। तो यहाँ हमने 1 किलो चेखुर लिया है दोस्तों, तो हम एक साथ ही भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक गोंद है, गोंद को इस तरह से सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। काफ़ी देखिए तेल सूखा हुआ है, ये तेल निकल रहा है।
इसी तरह हम इसे साल लेंगे। यहाँ पर देखो जो है भुन चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसका कलर देखिए चेंज हो चुका है, इसे हम निकाल देते हैं। देखो हमारा भुन चुका है, अब हम भून लेते हैं अलसी। अलसी को हम ऐसे ही भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चेखुर है, चेखुर को भी सिलबट्टे पर सारा जाएगा तो ये महीन हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह से ये सारा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सौंठ को हम मिक्सर में डालकर हम पीस लेते हैं। दो बार में हम पीसेंगे, इसे ढक्कन लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोट को हमने एक धान पीस लिया हुआ है, देखिए कितना महीन पीसा हुआ है। अब इसे हम चलने से चालेंगे, पहले पीस लेते हैं, इसमें लग सकते हैं। दूसरा धान भी इस तरह से हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर सोट को हमने पीस लिया है, देख सकते हैं आप लोग, इसे हम चलने से चालेंगे। इसी तरह देखिए दोस्तों, हमने चाला हुआ है। तो देखिए इसमें कितना ये झेखुर निकला हुआ है, इसे हम रख देंगे। यहाँ पे अलसी को हम भून लिया है, तो इसे मैं हम पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने सभी अलसी को पीस लिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो हमने देखिए इतना महीन पीसा हुआ है, इसे हम बाथरूम निकाल लेती हूँ। तो ये पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मियाना जो हमने लिया हुआ था बहुत काफ़ी दरबरा है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसे हम सिलबट्टे के सहारे से इसे सारा जाएगा तो महीन हो जाएगा, तो अच्छे से ये बनने लायक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिलबट्टे के सारे सारा जा रहा है, देखिए कितना महीन हो रहा है, हल्का सा। अब बहुत देखिए पहले कितना दरबरा है, इस तरह से हम साल लेते हैं। तो यहाँ मैंने सब कुछ पीस लिया है, तो सबको एक साथ हम मिला लेते हैं। तो यहाँ मियाना को भी यहाँ रख दिए हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए सब सामग्री मिला लिया है, तब इसमें हम मिलाएंगे बारीक कटा हुआ नारियल, ये छुहारा तो हमने बारीक कूट लिया है। तो यहाँ पे हमने काजू को भी बारीक कूट लिया है, और बादाम को भी, और मखाना को भी। तो किशमिश हम उसे डाल रही हूँ, तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेती हूँ। तो हमने सभी चीज़ों को मिला दिया है, तो इसे हमने दो भागों में कर दिया है, तो बर्तन छोटा पड़ जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तेल को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तेल को हमने अच्छे से मिला दिया है, तो हमें तेल देखिए उतना ही डालना है जितने ये बनने लायक हो जाए। तो देखिए बनने लायक हो चुका है, हाथों में इस तरह से गदौरिया में इस तरह से रगड़कर हम देख लेती हूँ। लेकर हम इस तरह से हम बना लेती हूँ, तो इसे हम गोल बनाएंगे लड्डू की तरह।
इस तरह दबा कर दबा कर हम इसे बनाएंगे ताकि ये फूटे ना। तो ये देखिए कितने अच्छे से बना हुआ है। एक और बना देती हूँ। देखिए कितना अच्छे से बन रहा है। इसी तरह से सभी हम पिठौरा को बांध लेती हूँ। तो हमने सभी सेठौरा बांध लिया है दोस्तों। तो गांव में हम लोग इसे सेठौरा ही कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट कर जरूर बताना। तो गांव में इस तरह से महिला को प्रस्ताव महिला जो होती है उसी के लिए ये रेसिपी बनाई जाती है दोस्तों। और बहुत ही फायदेमंद होती है महिला के लिए, जो ये खाएगी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है ये रेसिपी। इसी तरह गाँव में बना कर खाते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी थी सेठौरा। दोस्तों हमारी रेसिपी आज कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।